विधायक सुरेश टाक ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। विधायक कोष से स्वीकृत 18.81 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर विधायक सुरेश टाक ने ग्रामीणों को दी सौगात। विधायक सुरेश टाक का ग्रामीणों ने ग्राम जोशी से भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक सुरेश टाक ने बांदर सिंदरी में माली समाज द्वारा आयोजित सहस्त्रधारा कार्यक्रम में शिरकत की और कांवड़ियों का भी स्वागत अभिनंदन किया। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में विधायक सुरेश टाक ने ग्रामीणों को संबोधित किया। बता दें कार्यक्रम में सरपंच भारती देवी, पंचायत समिति सदस्य राम सिंह बेरवा, वार्ड पंच बिंदु देवी गजानंद, रोडमल शंकर, महेश मास्टर, रामगोपाल, बजरंग मनोहर, युवा नेता सुखबीर गुजर, शैतान खींची सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें विधायक सुरेश टाक ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण शिलान्यास। विधायक कोष से स्वीकृत करीब 18.81 लाख के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास कर विधायक सुरेश टाक ने ग्रामीणों को दी सौगात। विधायक सुरेश टाक का गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत अभिनंदन। जो परिणाम सामने है नजर आ रहा है आपके, और जनप्रतिनिधि वही होना चाहिए इसके लिए सीधे माध्यम में जनता है, वो बिठाती है मैं यहाँ पे, और कोई नहीं बिठाता है यहाँ पे। मेरी ताकत से बनकर नहीं आ गया, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं जीत के नहीं आ सकता। कौन सा जीत जाता है? ये विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है, भगवान से डरो, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ईश्वर से डरो, जनता को गुमराह मत करो। इस गाँव के हो आप, जन्मे जाए हो, और इसके लिए आपको अगर तकलीफ भी उठानी पड़े ना उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो नेचर का हुई नहीं, अगर मैं जैसा बोला गया जैसा मैंने सुना, अगर मैं एक उनमें से 1% भी अगर मेरे पे लागू होता है तो ईश्वर मेरे को कभी माफ मत करना। मैं ऊपर हाथ खड़े करके कह रहा हूँ, भगवान के सामने हाथ खड़े करके मुझे कभी माफ मत करना, और अगर झूठ बोला है तो उसको माफ मत करना। घर घर में कनेक्शन हो गया, लेकिन बिजली की स्थिति आपको पता था। पानी, हाँ जी सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो। पानी की समस्या जैसे की वैसे उल्टा ज्यादा हो गया। पहले पीएचपी था जब इतनी ज्यादा प्रभाव करते नहीं थे, जब घर में नल लग गया तो सबको अपेक्षा हुई इस नल में पानी आना चाहिए, नल वाजी बात आना भी चाहिए। हम तो मैं भी परेशान हूँ। आखिर हमने सबसे टीम से हमने पूछा भाई क्या करें, समाधान उन्होंने बताया एक कुआ है जिसमें पानी है, ईश्वर की दया से इस बार इतना पानी आ गया। ईश्वर ने भाई सब लगा के और कोशिश करी कि पानी आने चालू हो गया, अब शायद चालू हो गया होगा। अब कुछ समस्या समाधान हुई है, पूरी तो नहीं हुई है, कुछ हुई है और भी समस्याएं बहुत सारी है, कमी है, तो हम पूरा करेंगे। अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया, सबने अगर मौका दिया, मैं तो तन समर्पित, मन समर्पित, सारा जीवन समर्पित करता हूँ आप सब। मेरे मन में कोई भी इस तरह की बात नहीं कि मैं मेरे परिवार का भला करूँ, मेरा परिवार भी आ गया, वो तो 3-4 लोग हैं, अब मेरे 5 लाख जो मेरा परिवार है जिसकी मुझे चिंता करना है। कोशिश करूँ कि ज्यादा तो नहीं कर, आपके हर आदमी के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दूँ और आपके विश्वास को मजबूत कर दूँ कि नहीं है राजनीति वैसे लोग भी जो काम करना चाहते हैं, और अगर उनको मौका मिला तो बहुत कुछ करके दिखाना चाहते हैं। 2 साल कोरोना